हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। ये नाश्ता खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। कम चीज़ों से टेस्टी नाश्ता बन जाता है। तो आज हम इस नाश्ते को कच्चे आलू और ढेर सारी सब्जियों से बना के तैयार करेंगे, जिससे नाश्ता टेस्टी और हेल्दी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कच्चे आलू ले लिए। आलू को छील करके इस तरीके से पानी में डाल दीजिए तो आलू आपके काले नहीं पड़ते हैं। तो चलिए आलू को हम यहाँ पे ग्रेट कर लेते हैं। तो आलू को ग्रेट करने के लिए आप यहाँ पे एकदम बारीक होल वाली ग्रेटर का इस्तेमाल कीजिएगा और इस तरीके से आलू को ग्रेट कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आलू है उसे मैंने बढ़िया सा ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें आधा कप सूजी डाल देंगे और इसी कप से आधा कप मैं यहाँ पे गेहूँ का आटा डाल दूँगी। साथ ही इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच के लगभग दही ऐड करेंगे। और दही डालने के बाद इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर पानी और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पानी एक साथ आपको ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है, पहले थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया, मिक्सर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करके इसका परफेक्ट बैटर हम बना के तैयार कर लेते हैं। और लीजिए यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, ये देखिए। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि जो मैंने इसमें सूजी डाली वो बढ़िया से फूल जाए। और ये लीजिए यहाँ पर इसे मैंने 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दिया था। जो सूजी है वो बढ़िया सा फूल चुकी है और बैटर थोड़ा सा थिक हो चुका है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। बारीक कटा हुआ मैं यहाँ पर शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें यहाँ पर बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। आप यहाँ पर अपने मनपसंद की सब्जी ऐड कर सकते हैं। बारीक कटी हुई ग्रीन मिर्च ऐड कर देंगे और बारीक कटी हुई यहाँ पर धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर सिंपल से सब्जियों का इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा नमक डालते हुए इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और इसे नाश्ते को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। जब आपको कुछ हल्का फुल्का और टेस्टी हेल्दी खाने का मन हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं यहाँ पे भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और कुटी हुई लाल मिर्ची डाल देंगे। 1 चम्मच चाट मसाले का पाउडर ऐड करेंगे और इन सभी मसालों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। आप यहाँ पे और भी मसाले इस्तेमाल कर सकते हैं यदि नाश्ते को और ज़्यादा चटपटा बनाना चाहते हैं। तो अच्छे से थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है और बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। और बस ये हमारे नाश्ते का जो बैटर है वो बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम लास्ट में डाल देंगे यहाँ पर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे। आप यहाँ पे यूनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे नाश्ता बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा फूला फूला सा बनेगा। तो बढ़िया सा इनको मिक्स कर लेंगे और बैटर बहुत ज़्यादा एकदम फ्लफी एकदम लाइट हो चुका है। तो चलिए इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई रखी है। मैं इस नाश्ते को कढ़ाई में बना रही हूँ और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल से बढ़िया सा हम इसे ग्रीस करेंगे। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रही, बहुत ही कम तेल के साथ इस नाश्ते को तैयार करेंगे। अब हम डाल देंगे यहाँ पर थोड़ी सी राई डाल देंगे और थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ वाइट तिल डाल दूँगी, इससे तड़के में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अब हम इस नाश्ते को इसमें डालते हैं। देखिए इस तरीके से 1 कलछे बैटर डालना है आपको, अच्छे से स्प्रेड करना, पूरे में बिल्कुल नहीं फैलाना, थोड़ा सा मोटा बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। ढक करके हम इसे पकाएंगे लो फ्लेम पर। और देखिए लो फ्लेम पर ये नाश्ता बिल्कुल अच्छे से पक गया है, ऊपर क्लियर ड्राई हो चुकी। थोड़ा सा तेल डाल देंगे और बस अब हम इसे एक साइड टर्न करेंगे और आप देख सकते हैं नाश्ते पे कितना बढ़िया सा कलर आया। जो मैंने इसमें आलू का इस्तेमाल किया, आलू से बहुत ही प्यारा सा एकदम गोल्डन सा कलर इस नाश्ते पे आया है। और ये नाश्ता खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस ये देखिए मैंने इस नाश्ते को सेक लिया है तो ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी बना हुआ है। तो इस नाश्ते को प्लेट में हम सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए गर्मा गर्म बहुत ज़्यादा टेस्टी सा कच्चे आलू और सूजी का टेस्टी सा नाश्ता बनकर के तैयार है। आप इस टेस्टी और हेल्दी नाश्ते को बच्चों के लंच टिफिन बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं, या फिर आपको जब कभी खाना बनाने का मन ना हो, रोटी सब्जी खाने का मन ना हो, तो इस तरीके से आप इस टेस्टी और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये
खाने में टेस्टी भी और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी नाश्ता बना हुआ है। ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और खाने में बहुत टेस्टी है। रेसिपी अच्छी लग रही है नाश्ते की तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। फिर मिलते फ्रेंड ऐसी एक और भी कोई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।